अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं कौसर। रूटीन स्किल चैनल में खुश आमदीद। जी व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं जी जनाब। आज जो है वो जुमातुल मुबारक है, तो अल्लाह ताला जो है हमें ये तौफीक अता फरमाए कि आज के दिन, जुमा के दिन, कोई एक अच्छा काम करें और कोई एक अच्छा काम हम खुद भी करें और कोई एक अच्छा काम अपने बच्चों को के ज़िम्मे भी लगाए कि वो आज के दिन कोई एक अच्छा काम करें। जी तो सबसे पहले जो है मैं आज उन बहनों का मसला हल करने वाली हूँ जो कि फेस वाश से जो है वो परेशान है। तो मैं उनको जी ये कहना चाहती हूँ कि आप किसी किस्म का फेस वाश ना लें, इधर उधर से आप कोई भी फेस वाश ना लें। सबसे पहले जी आपने जाके मेडिकल स्टोर से आपकी स्किन ऑयली है या आपकी स्किन ड्राई है तो यही कह के आपने जो है मेडिकल स्टोर से फेस वाश जो है ले लेना है, तो इसको यूज़ कर जी। इसके अलावा जी मेरी वो बहनें जो कि मेडिकल स्टोर से भी परचेज़ नहीं कर सकती, अफोर्डेबल नहीं है उनके लिए, क्योंकि मेडिकल स्टोर में जो आपको चीज़ मिलेगी वो थोड़ा प्राइस में ज़्यादा होती हैं। तो अगर वो घर में फेस वाश बनाना चाहती हैं तो आप ऐसा करें कि आप जो है वो चने की दाल जो होती है वो ले लें, क्योंकि आजकल बेसन जो है वो ठीक नहीं मिलता, उसमें जो है वो कुछ और चीज़ें डाली होती हैं तो हमारी स्किन को ज़्यादा बेनिफिट नहीं देता। तो आपने क्या करना है जी, आपने यही करना है कि चने की दाल को ब्लेंडर में जो है जो हम जिस मशीन से जिससे जो है हम मसाला पीसते हैं तो उसी में डाल के जी हमने चने की दाल को जो है थोड़ा सा डाल के उसको जी हमने बेसन बना लेना है और वही बेसन हमने जार में रख देना है। तो जब भी हमने मुंह धोना है तो फेस वाश हमारा वही हो गया, हमने बेसन से मुंह धोना है, तो यकीन माने इससे जल्दी टैट जी। तो अच्छा, बहुत सारी बहनों के जहन में ये सवाल होगा कि हम जो है वो ब्रांड के क्यों ना इस्तेमाल करें चीज़ें जो भी हों, तो हम जो है वो मेडिकल स्टोर से ही क्यों लें। तो मैं उन बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि ब्रांड जो है वो हमारी पहुँच से बहुत दूर होते हैं। तो वो बहनें जो पैसा बड़ा वो जोड़ जोड़ के जो इकट्ठा करती हैं, उनकी मेहनत का जो पैसा होता है, तो वो अगर खुद पे सोचती हैं कि वो हम जो है वो खुद पे लगाएं, खुद पे केयर करें, तो जी वो जो है वो जाके किसी स्टोर से या यानी क्या जहाँ से वो चीज़ें मेकअप वगैरह का सामान खरीदती हैं तो वो वहाँ से चीज़ें ले आती हैं। तो वो क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो चीज़ें होती हैं वो हमें नहीं पता होता कि ये चीज़ें जो बनी होती हैं ये हमारी स्किन के अकॉर्डिंग हैं या नहीं है। तो जी मेडिकल स्टोर में क्योंकि वो हमारी जिल्द के अकॉर्डिंग चीज़ें बनी होती हैं तो इस वजह। अच्छा जी, हम जो है वो एक और बात मैं करने जा रही हूँ, वो ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ज़रूरी जुज़ है, जो कि मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ कि जी हम जो औरतें होती हैं या मर्द हज़रात होते हैं, हम अपनी स्किन केयर कॉन्शियस होते हैं और हम चाहते हैं कि हम खूबसूरत लगें, हमारा ड्रेस भी अच्छा हो, हमारी पर्सनैलिटी भी अच्छी हो, तो हम जो है वो देखने में बहुत अच्छे लगें। तो मैं उन सब बहन भाइयों से ये कहना चाहती हूँ जो मेरी इस वीडियो को देखना चाहते हैं जी, तो आपने अपनी पर्सनैलिटी के साथ जो है जब इंसान जो है वो इखलाक में भी अच्छा होता है और जब उसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो और जब वो बोले तो उसका इखलाक जो है वो नज़र आता है कि उसकी पर्सनैलिटी जो है वो कैसी है। तो इखलाक जो है अपना सबसे अच्छा रखना है, क्योंकि पर्सनैलिटी का एक हिस्सा इखलाक है। अगर आपका इखलाक अच्छा है तो आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लग जाते हैं, और अगर आपका इखलाक अच्छा नहीं है, यकीन माने जब हमारा इखलाक अच्छा होगा तो हमारी पर्सनैलिटी के साथ साथ हमें जो है दूसरे, जब हम दूसरों से बात करते हैं तो हमारा इखलाक भी अच्छा होना चाहिए। तो इससे जो है जो आगे से रिस्पांस मिलता है वो आगे वाला इंसान आपको इज्जत और एहतराम के नज़र से देखता है, तो आप यकीन जाने इससे ज़्यादा खुशी की बात आपको जो है वो कहीं भी नहीं मिलेगी। कि आप जो है अगर ये सोचें कि जी हमने बहुत महंगे कपड़े पहन लिए तो हमें खुशी होगी, हमने बहुत महंगा मेकअप ले लिया तो हमें बहुत खुशी होगी, या हमने कोई ऐसी चीज़ कर ली तो हमें खुशी जो रखी हुई है अल्लाह ताला ने वो ये है कि आप किसी को जो है वो खुशी से जो है कोई अच्छी चीज़ जो है वो दूसरों के लिए करें या अच्छी चीज़ को सीखें, यानी कि आपका आपके सीखने का अमल जो है ये कभी नहीं ख़त्म होना चाहिए कि जी हमारी जो है ये एज है सीखने की।
हम जो है किसी से भी कोई चीज़ सीख सकते हैं, कोई अच्छी बात कोई भी हमें कह दे तो वो जी हमें जो है अगर अच्छी लगती है तो वो हम जो है अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। तो इसी तरीके से दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें तो खुद ब खुद अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा कर देता है, क्योंकि अल्लाह ताला का ये वादा है कि आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें और मैं आपके लिए आसानियाँ पैदा करूँगा। तो जी मेरे चैनल को जो है आपने सब्सक्राइब करना है, और जी मेरी वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है, और जी अपने कमेंट्स में बताना है कि मेरी ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि मैं अपने बहनों के लिए जो उनकी परेशानियों का कुछ ना कुछ हल लाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।